पत्रकार और पत्रकारिता, समाज और समाज की समस्याएं, यहाँ पर पत्रकार समाज की परेशानियों के लिए सवाल खड़े करते हैं और यहाँ पर पत्रकार मार खाता है और समाज देखता रह जाता है। नमस्कार, मैं हूँ अंकित भारद्वाज और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। अभी हम फिर से आए हैं, जो हमारे पत्रकार साहब हैं जो कुछ दिन पहले तक चना बेच करके अपना एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक आंदोलन कर रहे थे कहीं ना कहीं कि किसी तरह से इनका फ़ोन, माइक और ट्राइपॉड जो छीन लिया गया है, ये पत्रकारिता करने के लिए जाते हैं और इनके साथ घटना होता है, इनका फ़ोन, माइक और ट्राइपॉड छीन लिया जाता है ताकि ये पत्रकारिता से इनको हटा दिया जाए, इनको कहीं ना कहीं पत्रकारिता से रोक दिया जाए। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अभी आपको बता दूं कि या इनकी बात लगातार पुलिस प्रशासन से हो रही है और कहीं ना कहीं वो सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन यह समाज या जो समस्या है इसको खड़ा करने के लिए इनके पास सामान, इनका हथियार, माइक, कैमरा भी तो होना चाहिए, लेकिन कहाँ है। प्रशासन इनको बस आश्वासन देगी कि मिल जाएगा। कब मिलेगा भाई? मिलता आश्वासन तो केस तो कितना पड़ा हुआ है, जाइए कोर्ट में, कोर्ट में केस पे एकदम आपको इतना मिलेगा कि आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा। लेकिन अभी यहाँ जो पत्रकार के साथ जो होता है, ये पत्रकार वही होते हैं जो आपके समस्या को लेकर खड़े होते हैं। आज इनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। जो पुलिस प्रशासन है वो बस इनको इतना ही बोलती है कि कल आइए, कल हो जाएगा। अरे भाई, कल तो आएंगे, होगा कब? कल तो रोज आएगा, लेकिन होना कब है? इनसे देखिए, बताते हैं। अच्छा, आपकी बात अभी हुई थी उनसे? हाँ, अब देखिए काफ़ी आजकल ना उनको फ़ोन करते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं होता उस साइड से। अच्छा, मेरे पास ASI का नंबर है और SHO सर का नंबर है वहाँ का। बात तो होती है, बहुत ट्राई करने के बाद, बहुत कॉल करने के बाद बात होती है, वो कहते हैं कि हो जाएगा। आपके जैसे कल शाम को उन्होंने कहा कि हो जाएगा कल तक, कल हम बोले कि 12 बजे तक कल आए तो बोलते हैं कि आइए। अब दिन में कॉल दिन भर करते हैं, कुछ नहीं होता है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और अभी तक सोचिए कि हम लोगों ने अपना सिम बंद नहीं करवाया है, 8 दिन हो गया, और फ़ोन स्विच ऑफ भी है तब भी उस सिम को निकाल कर कुछ दूसरे फ़ोन में इस्तेमाल किया, कुछ भी क्यों किया जा सकता है, हैं, कुछ भी कोशिश करके बैंक का OTP मंगा के बैंक ट्रांसफ़र कर लिया जाए, कुछ भी किया जा सकता है कि नहीं। हम लोगों ने बोला, कल ही बोले कि हम लोग सिम बंद करवा देते हैं, आप लोग पे तो उम्मीद है नहीं। और जबकि ये बात हम आपको कन्फर्म कर दें कि वो ये बात ना, फ़ोन लेना और उस व्यक्ति से रिकवर करना पूरी तरह से SHO के हाथ में है, पूरी तरह से उनकी बात होती है। ये लोग कहीं ना कहीं कुछ भी ना, अब डाउट है कि मिली भगत भी है इन लोगों का कुछ भी। और कई सारे हम लोगों को बात ग्रामीणों से जो पता लगा है, जबकि ग्रामीण से बात हुई है वहाँ के, ग्रामीण से बात हुई है और ऐसे ऐसे चीज़ें खुलासा हुई है ना उस व्यक्ति के बारे में, बहुत चीज़ें। कुछ बात हम आपको अभी बता भी देंगे, कुछ जानबूझ कर नहीं बताएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि इस पर हम आगे काम भी कर रहे हैं और ज़रूरत के हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे, आपको तो बता ही रहे हैं। वो टीचर को लेकर बहुत सारी, वो टीचर है जो हेडमास्टर को पीटता है, उसको लेकर हेडमास्टर जो है DM को अर्जी लगा दिया है। आज दैनिक भास्कर जो अखबार है वो अपने तरफ से रिसर्च करके और छापा भी है अखबार में, वैशाली एडिशन में, कि वो मतलब वहाँ का हेडमास्टर ट्रांसफर के लिए ऑर्डर लगा दिया है अपना। अच्छा, रिक्वेस्ट DM के पास। अच्छा, वो प्रिंसिपल भी इसमें शामिल था? हाँ, वो शामिल होने के बाद भी अपना वो दे रहा है कि हमको यहाँ से हेडमास्टर, वो खुद, क्योंकि उसको, उसे लगता है कि वो जो भी कुछ करता है उसके दबाव में आकर उसे करना पड़ता है। आपको बता दूं, लगातार यहाँ पर अनेक मीडिया पर, अनेक डिजिटल मीडिया पर और कहीं ना कहीं हमारा जो प्रिंट मीडिया है, दैनिक भास्कर पर भी यह न्यूज़ छपा है या आया है, लेकिन पुलिस प्रशासन का भी कोई इस पर फर्क ही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं वो इनको इस तरह से लिया जा रहा है कि जैसे आम जनता जिनको परेशान तो किया ही जाता है, उनका रिपोर्टिंग करने गए थे। क्या होता है कि कोई चीज़ नहीं है, बस तारीख पे तारीख, सनी देओल का मूवी में नहीं कहता कि तारीख पे तारीख, उसी तरह हम लोग को जो है डेट पे डेट मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप सोचिए, अगर एक पत्रकार को डेट पे डेट मिले तो आम जनता को कितना डेट मिले। सबसे बड़ी बात यही है कि जब पत्रकार, जो कि आम जनता के समस्या को लेकर के पुलिस प्रशासन से भिड़ जाती है, कहीं ना कहीं सरकार से, सिस्टम से लड़ जाती है, वहीं आज यह पत्रकार के साथ देने के लिए यहाँ पर कोई, आम जनता तो खैर छोड़िए, आम जनता ने जो किया इनके साथ तो वो आप हमारे पिछले वीडियो में भी देखे होंगे, लेकिन अभी जो पुलिस प्रशासन है, जब पत्रकार का सहयोग नहीं कर रही है, जब पत्रकार की सहायता नहीं कर रही है, तो आम जनता के साथ वो क्या करती होगी, वो आप लोग भी जानते ही हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक बताना चाहेंगे कि बहुत सारे पत्रकार हैं जो स्कूल में जाते हैं, वहाँ की व्यवस्था दिखाना चाहते हैं, वहाँ पे उनके साथ टीचर के साथ कुछ झड़प होती है, उनके व्यूज जो है मिलियंस में जाते हैं, और वो अपने टैगलाइन डालते हैं कि टीचर ने रोका मुझे, रिपोर्टिंग करने से रोका, दुर्व्यवस्था दिखाने से रोका, उनके बहुत सारे मिलियन में व्यूज जाते हैं और बहुत चिल्लाते हैं। बट जब एक पत्रकार को टीचर के द्वारा मारा जा रहा है, तो वहाँ पे वैसे पत्रकार क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हैं साथ में आके? सबसे बड़ी बात,
वह लोग कहाँ हैं जो डिजिटल मीडिया पर खुद को पत्रकार बोलेंगे और जब यहाँ स्कूल में थोड़ा सा उनके साथ कुछ घटना होगा कोई धक्का दे देगा उस पर जाकर के मिलियन व्यू लेंगे, क्या डालेंगे कि मेरे साथ मारपीट हुई है। लेकिन जब यहाँ पर इस तरह की घटना होती है एक भी वैसा पत्रकार सामने नहीं आया है जो कि दिन भर बैठ करके स्कूल में ही घुसता है और पैसा कमाता है, मिलियंस व्यू लेता है। एक भी मीडिया वाला वैसा इनकी सहायता के लिए नहीं आया है। लेकिन आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें सिर्फ टैगलाइन ये होता है, स्कूल में घुसने से पत्रकार को रोका, पत्रकार के साथ हुई बहस, और इस पे मिलियंस व्यूज जाते हैं। तो वैसे पत्रकार को भी कहना चाहेंगे और वैसे व्यूअर को भी कहना चाहेंगे कि वैसे पत्रकार को आप सपोर्ट करते हो सिर्फ रोकने पे, और जिसके साथ मारपीट किया गया है पुलिस भी उसका साथ नहीं दे रही है, उसको आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ना वैसे पत्रकार सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े जो पत्रकार हैं जो देश में बदलाव लाने की बातें कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में बदलाव लाने की बातें कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वैसे पत्रकार इनका सपोर्ट नहीं कर रहे, और वैसे दर्शक भी है जो साइलेंट बैठे हुए। तो मैं क्लियर कह सकता हूँ कहीं ना कहीं लोग इंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल लोग सच्ची पत्रकारिता। एक चीज़ मैं और ये कहना चाहूँगा कि सभी पत्रकार को मिलके जो है सरकार के खिलाफ ये स्टैंड देना पड़ेगा कि सरकार जो फरमान जारी किया कि पत्रकार स्कूल या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं दिखा सकता, इस फरमान के खिलाफ हम लोग को जो हाईकोर्ट या फिर जहाँ जाना चाहिए लीगल कार्रवाई। आपको बता दूँ यहाँ पर कोई ये सरकार नहीं सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी, क्या कि सरकार खुद ये भ्रष्ट सिस्टम है। यह कहीं पे भी कोई भी स्कूल में जाइएगा, आपको किसी भी सरकारी स्कूल जाइए, अब एक्सेप्शन कहाँ है जो सही है उनको मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अधिकतर जहाँ जहाँ भी वीडियो का ऐसे ही वायरल थोड़ी हो जाती है, एक भी वीडियो ऐसे ही वायरल नहीं होती है, फेक वीडियो कोई वायरल नहीं होती है कि इस स्कूल में इस तरह की घटना हो रही है। मेरा कहना ना कि सरकार ना अपने हिसाब से कोई 20 स्कूल का लिस्ट जारी करे कि जहाँ एकदम सबसे परफेक्ट है ये स्कूल, यहाँ से बच्चा पढ़ के एकदम साइंटिस्ट इंजीनियर सब बन सकता है सरकारी स्कूल, बाकी स्कूल बंद कर दे। हाँ, 20 स्कूल का लिस्ट तो दे दे, 20 स्कूल भी है सही उसका, पूरे बिहार में 20 सरकारी स्कूल सही नहीं है। अभी आप SHO साहब जिनसे आपकी लगातार बात हो रही है उनके एक बार कॉल लगाइए तो क्या कहते हैं। लगा देते हैं दिन भर आज। आपको बता दूं एक पत्रकार हैं जिनके साथ मारपीट हुई है, एक स्कूल में जाकर के इन्होंने इंटरव्यू के लिए गया और इनके साथ मारपीट हुई है और इनका फोन ट्राईपॉड सब कुछ छीन लिया गया है। भाई अगर इन्होंने गलत किया तो आप पुलिस प्रशासन से कंप्लेन करिए, आपकी क्या औकात है, आप स्कूल के टीचर हैं शिक्षा के, आपकी उतनी औकात नहीं है कि आप किसी पत्रकार पर हाथ उठाएंगे, आप उनका फोन छीन लेंगे। आपका स्कूल है चलिए ठीक है, आप बहुत महान है, आपका स्कूल आपने स्कूल खरीद लिया है, पत्रकार पर आप हाथ उठाइएगा उनका फोन छीनिएगा। कॉल वेटिंग में जा रहा था उनका और अभी तुरंत कॉल फिर से करेंगे, देखिए वो कॉल नहीं उठाएंगे, हमें ज़्यादा चांस है। हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, सुमित बोल रहे हैं सच बिहार से। कल आप बोले थे सर कि आना है आज 12 बजे तक, हम बोले कि आएंगे फोन वोन हो जाएगा तो आप लोग। हाँ सर, क्या हुआ, कल आप बोले थे सर कि आना है, मतलब कल मेला में है, देखिए मेला में हम लोग है। हाँ कहाँ जाए, हम लोग मेला में है। अच्छा, चपना न पड़ेगा। तो एक सप्ताह हो गया सर, अब तो क्या होगा, कल देगा क्या करेगा सर। अब आज भी साफ नहीं आ रहा है आपका। हेलो, अच्छा तो क्या करे सर, वो देगा सिम बंद करवा दे, क्या करे अब। आज रुक जाइए ठीक है। हाँ हम लोग मेला में उलझे हुए हैं। अच्छा, इसलिए सुबह से हम लोग सब पुलिस इधरे लगा है, कहीं भय नहीं है। तो ठीक है सर, हम आज भी रुक जाते हैं, अब आज भी कॉल बार देख लीजिए, नहीं होगा तो हम बता देंगे जो सिम बंद करना है कि जो चालू। क्यों नहीं आ रहा है सर, वो आप थोड़ा सा फोन कीजिए उसको, बताइए ना जब जानते हैं। कल भी बात हुआ है घाटे पर से, हम लोग बात किए हैं ठीक है, कल भी बात किए हैं, नहीं आ रहा है तो हम ही लोग को जांच करना पड़ेगा कुछ। उसको गिरफ्तार करके भेजिए ना सर, इतना क्या टेंशन की बात है, आदमी को बुला लेंगे उस समय गिरफ्तारी होगी तो ना। हाँ ठीक है, नहीं और मीडिया के लोग भी आ जाएंगे सर। ठीक ठीक है सर, शुक्रिया। मतलब कहीं ना कहीं इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, बस यही एक ही बात रिपीट है। हम जो झूठ बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि सिम आप अपना बंद नहीं करवाइए और अभी आप कार्रवाई करेंगे, क्या आपको लगता है 7 दिन 8 दिन हो गया उस सिम के साथ या फ़ोन के साथ कोई गलत इस्तेमाल हो जाए, उसे गलत तरीक़े से यूज कर लिया जाए, वो उसके भाई लोगों पे बैंक लूट का केस है, सोचिए इस तरह के चीज़ों में इस्तेमाल हो जाए, उसके एक भाई का दारू का केस है, उस पर खुद मतलब केस है, उस पर 3-4 केस है, उसके डिटेल्स में हम जाएंगे ना तो बहुत सारा चीज़ें हैं उसके। उस स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल के जस्ट सामने एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसके बारे में पता लगा कि दारू बेचता था उसी का भाई और आज भी बेचता है। SHO साहब अपने से पावर का गलत इस्तेमाल मत करिए। देखिए मेला मानता हूँ मैं, आप मेला में हैं, आपके ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन आपके अंदर में बस एक ही है कि आप सिर्फ मेला संभालिएगा तो पूरा सिस्टम छोड़ दीजिएगा,
आपके अंदर में जितना एरिया है उसके अंदर भी तो और भी लोग रखा हुआ है कि सिर्फ आप ही उसको संभालते पूरा एरिया को? और नहीं है तो आप हेडक्वार्टर को खबर कीजिए ना कि ऐसा ऐसा मामला, इस तरह की घटना हुई है, हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है पर्याप्त, ये घटना तो सुपुर्द किया जा सकता ना ऊपर में, कहीं ना कहीं यह देखा जा सकता। अच्छा उनका नाम क्या था? सनोज राय। सनोज राय छितरचक गांव है, सनोज राय नाम है, जो आते हैं इनके साथ मारपीट करते हैं, इनका फ़ोन छीनते हैं, इनका कैमरा छीनते हैं और कहीं ना कहीं माइक भी छीनते हैं, जो कि एक आम पत्रकार की पहचान है, कहीं ना कहीं उनका एक हथियार है। और जो SHO साहब हैं वो सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देंगे कि अरे आज भर रुक जाइए, आज भर रुक जाइए, मतलब ये क्या चल रहा है, सिनेमा चल रहा है कि आज कल करते रहिए, कल जाकर कहीं गाड़ी नहीं हो पाया। भाई इनका भी काम है आगे, अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो बोलिए, हम मीडिया वाले आकर के वहाँ पता करेंगे। हेलो सर, बोला जाए? आपका कॉल आया था सर अभी जी? आपका कॉल आया था अभी तुरंत? ना कॉल नहीं किया था सर, उसी समय आपसे बात किए हुए थे। अच्छा नहीं, अभी तो SHO सर से बात हुआ था, हमें लगा कि आप भी कॉल कर रहे हैं उसी संदर्भ में। क्या? ना अभी नहीं किए थे, उसी समय जो किए हुए थे ना सर बात जो हुई। अच्छा उसमें कोई नया अपडेट नहीं है ना? नया अपडेट कोई नहीं है अभी तक? नया अपडेट उस बारे में कोई नहीं है ना? ना अभी कोई अच्छी नहीं सर, उनको भी नहीं नॉलेज आती में है, हमारे आती में भी अभी नहीं है। चलिए शाम तक सर मतलब रिपोर्ट आ जाता है। ठीक है सर, ठीक ठीक है सर, ठीक। यहाँ पर SHO साहब, SI साहब, बस इनका कहना है अभी कोई नया अपडेट नहीं आया है, आएगा तो संपर्क करेंगे। आपसे मैं बस इतना बोलूँगा, अगर आपसे नहीं होने वाला है, अगर आपसे यह संभल नहीं रहा है कुर्सी, आपका जो पोस्ट, तो आप एक बार या तो इस्तीफा दे दीजिए या तो बोल दीजिए कि आप, अगर आपसे नहीं संभलेगा तो बोलिए, हम लोग को ही बोल दीजिए। और मैं आप तमाम मीडिया वालों से भी निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग खड़ा नहीं रह सकते तो छोड़ दिए पत्रकारिता कल, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा घटना होगा तो ना ये खड़ा होने आएंगे ना हम खड़ा होने आएंगे। मैं पिछले 4 दिन से चिल्ला चिल्ला करके इस मुद्दे पर बोल रहा हूँ लेकिन कहीं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरह की और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।